नमस्ते, मेरा नाम देवश्री अग्रवाल है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको लिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये एक चिड़िया है, लड़का, खरगोश, हिरन, राजा, तितली, मधुमक्खी। इनमें से कुछ शब्द जो मैंने कहे, कुछ शब्द पुरुष जाति के हैं और कुछ शब्द स्त्री जाति के हैं। तो फिर लिंग क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी, नाना, नानी आदि। ये सब लिंग होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलो पहले कुछ तस्वीरें देखें। अरे ये आदमी तो रो रहा है। इसमें जो आदमी शब्द है वो पुल्लिंग है। इस तस्वीर में मोर पंख फैला रहा है। तो मोर शब्द पुल्लिंग हुआ। अरे देखो पेड़ कितना लंबा है। पेड़ फिर क्या हुआ? पेड़ पुल्लिंग हुआ। अरे पौधा कितना छोटा है। तो पौधा पुल्लिंग हुआ। पापा लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो पापा शब्द पुल्लिंग हुआ। तो अब आपको समझ में आया पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, पौधा, पेड़, मोर, शेर आदि। चलो अब स्त्रीलिंग के बारे में बात करते हैं। पता है आज मुझे मधुमक्खी काट गई। इसमें मधुमक्खी शब्द स्त्रीलिंग है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ। चलो अब कुछ तस्वीरें देखें। इसमें बकरी पत्ते खा रही है। तो बकरी शब्द स्त्रीलिंग है। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया शब्द स्त्रीलिंग हुआ। मैं एक लड़की हूँ और मैं आपको लिंग समझा रही हूँ। तो इसमें लड़की शब्द स्त्रीलिंग हुआ। मनीषा मैं मेरी हिंदी की अध्यापिका है, तो इसमें अध्यापिका शब्द स्त्रीलिंग हुआ। चलिए अब बताइए, गाय घास खा रही है, तो इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हुआ? हाँ, गाय शब्द स्त्रीलिंग है। तो अब आपको समझ में आया स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मम्मी, लड़की, मोरनी, शेरनी, घोड़ी आदि। ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको लिंग समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।